फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं खास करके स्पैन आ, स्पैन पाउडर और हमारा स्लिम पाउडर और साथ ही साथ हमारा जो बॉडी मिस्ट है जो काफ़ी सारे फ्लेवर्स में अब उपलब्ध हो गया है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है काम कैसे करता है इसका क्या फंक्शन है किस तरह से यूज़ करना है वगैरह वगैरह ये सारी की सारी बातें आज हम आज के सेशन में जानेंगे तो फ्रेंड्स पैन पाउडर जो है उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स है तकरीबन तकरीबन दस इंग्रेडिएंट्स है तो हम दसों इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है और काम क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर और ये कोई आ, हम मैं शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं किसी भी तरह की दवाई नहीं है हमारा बीमारी से इलाज से उपचार से चिकित्सा से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी बीमारी से लड़ता है हमारा काम हमारे सप्लीमेंट का काम बीमारी को ठीक करना नहीं है तो चलिए स्पैन पाउडर के बारे में जानते हैं इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट अश्वगंधा जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है आप देखिए कि अगर तनाव में कोई होता है तो वो सेक्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता इंटिमेसी सही तरीके से नहीं हो पाती संभोग सही तरीके से नहीं हो पाता आज मैं थोड़ा खुल के बात करने वाला हूं तो आशा करता हूं कि आप लोग रेडी होंगे हालांकि मैं शुरुआत करने से पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो भी प्रोडक्ट हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं वो हमारी बाकी की पूरी बॉडी को भी मजबूत करते हैं क्योंकि जब हम दूध पीते हैं काजू बादाम पिस्ता अखरोट ऐसी कोई भी चीज खाते हैं तो वो सिर्फ हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूत नहीं करती पूरे शरीर में लगती है कोई भी पोषण हमारे पूरे शरीर को फायदा देता है ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई एक चीज़ खा रहे तो सिर्फ ब्रेन में ही फायदा करेगी सिर्फ पैर में ही फायदा करेगी सिर्फ हाथ में ही फायदा करेगी ऐसा नहीं होता जो भी हम खाते हैं वो पूरे शरीर में लगता है समान रूप से तो ठीक उसी तरह से आप स्पैन पाउडर को एक वाइटलिटी सप्लीमेंट के तौर पे देखिए आप इसको सेक्सुअल प्रोडक्ट के तौर पे प्लीज मत देखिए तो आ, लेकिन मैं आ, इसको पहले आपको इंग्रेडिएंट क्या करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कैसे मदद करते हैं ये आपको बताऊंगा और उसके बाद आ, हम लोग अलग अलग तरीके से इसके यूज करने का तरीका भी जानेंगे तो अश्वगंधा क्या करता है अश्वगंधा हमारे तनाव को घटाता है आप देखेंगे कि जब कोई तनाव में रहता है सही तरीके से वो अपना सेक्सुअल फंक्शन या ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता संभोग की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाता पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कम हो जाने से महिलाओं में एस्ट्रोजिन के कम हो जाने से आ, सही तरीके से संभोग नहीं कर पाते या सही तरीके सेक्सुअल अर्ज नहीं आती या लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर पाते तो टेस्टोस्टोरॉन के बढ़ने से पुरुषों में लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की क्षमता डेवलप होती है और एस्ट्रोजन के बढ़ने से आ, महिलाओं में लंबे समय तक प्रजनन की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से हो पाती है इंटीमेसी या संभोग सही सही समय तक या लंबे समय तक हो पाता है तो ये चीज़ अश्वगंधा की वजह से बहुत आसानी से हो सकती है सेक्सुअल हेल्थ जैसे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं तो सेक्सुअल ऑर्गन की जो हेल्थ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे मान लीजिए हम लोग हर मशीन की सर्विसिंग कराते हैं चाहे वो पंखा हो लैपटॉप हो मोबाइल हो सिलाई की मशीन हो गाड़ी हो बाइक हो कुछ भी हो उसकी सर्विसिंग होती है लेकिन जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है सेक्सुअल सिस्टम है जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कभी हमने सर्विसिंग कराई नहीं अगर हम सर्विसिंग करवा लेते हैं तो वो सही तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा और मेरी बात आप ध्यान रखें कि स्पैन पाउडर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत ही जबरदस्त सर्विसिंग करता है अभी इसके अलावा वाइटलिटी और एनर्जी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी चाहिए और आपके पूरे शरीर को वाइटैलिटी चाहिए जब आपका शरीर वाइटल रहेगा जब आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा जब आपका शरीर तरोताज़ा रहेगा जब आपका शरीर आ, एनर्जी से भरपूर परिपूर्ण और संपूर्ण रहेगा तब वो ज्यादा बेहतर तरीके से कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा चाहे वो दौड़ना हो चाहे वो चलना हो चाहे वो दिन भर की थकान भरी एक्टिविटी हो चाहे खेल कूद हो चाहे डांस करना हो चाहे पढ़ाई लिखाई करना हो तो ये ज्यादा बेहतर कर पाएगा जब वाइटैलिटी अच्छी होती है तो कोई भी चीज़ जो वाइटलिटी को बढ़ाता है वो आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान करता है आपके पूरे शरीर को मजबूत करने का आ, काम करता है तो आ, इसके अलावा ये बहुत सारे आ, ऐसे पुरुष हैं जिनमें स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है स्पर्म स्पर्म काउंट कम हो जाता है और महिलाओं में एग्स सही तरीके से नहीं बनते हैं या उनका भी सिस्टम में दिक्कत आती है अश्वगंधा उसकी भी सर्विसिंग करता है और अश्वगंधा उसको भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दोनों मतलब पुरुषों में भी और महिलाओं में भी उसको बेहतर बनाने में इसका अहम इसकी अहम भूमिका है इसके अलावा अकर करा इसके अंदर है जो कि हमारी लिबिडो को बढ़ाता है यानी कि हमारी सेक्स करने की जो प्रबलता है या सेक्स करने की जो इच्छा है उस इच्छा को बढ़ाता है को बढ़ाने में मदद करता, करता, uh, करता डेढ़ मिनट तो तक लेके जाने में करा, uh, का भी बहुत बड़ा रोल है अश्वगंधा के साथ साथ इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी स्पर्म का काउंट भी बढ़ाता है नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के काम आता है आपने देखा होगा चाहे न्यूज में देखा हो या आपने या ऐसा एहसास किया हो कभी कि नशा करने के बाद लंबे समय तक आ, मतलब आ, प्रजनन की प्रक्रिया आ, की जा सकती है ऐसा क्यों क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल आ, नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से लंबे समय में प्रजनन की प्रक्रिया या सेक्स की प्रक्रिया या संभोग की प्रक्रिया चल सकती है मतलब बहुत जल्दी से फॉल नहीं होता तो ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का भी काम अकर करा करती है इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स को और मजबूत करने का काम करती है क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन्स में काफी सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसकी कुछ समय पहले मैंने ट्रेनिंग की थी तो उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में मैंने बताया था आज सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ इस वजह से सिर्फ इंग्रीडियंट्स की बात कर रहा हूँ आत्मगुप्ता तीसरा इंग्रेडिएंट है जो कि एंटी एजिंग इफेक्ट लेकर आता है हमारे ऑर्गन्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ठीक वैसे वैसे ही हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की एजिंग भी बड़ी तेजी से होती है अब अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स की एजिंग तेजी से हो रही है तो उसको उसको एंटी एजिंग भी चाहिए अगर एंटी एजिंग उसको प्रदान की जाती है तो क्या होगा तो ज्यादा उम्र होने के बाद भी सेक्सुअल ऑर्गन कम उम्र के जैसा परफॉर्मेंस करेंगे तो एंटी एजिंग आत्मगुप्ता नाम का जो इनग्रीडियंट है प्राकृतिक वनस्पति है हर्ब है उसके जरिए हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमारे प्रजनन तंत्र की हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की एंटी एजिंग इस चीज इसके इस इंग्रेडिएंट के साथ संभव है इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है डोपामिन को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस तनाव, तनाव को कम करता है। और हमें खुशी होती है हमें अच्छा लगता है रिलैक्स फील होता है आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिगरेट भी इसीलिए पीते हैं क्योंकि सिगरेट पीने से अच्छा लग रहा है वो लोग कुछ ऐसी उठपटांग हरकतें भी करते हैं उनको लगता है कि उनको अच्छा लग रहा है और बहुत सारे मतलब जब लोग सेक्स परफॉर्म करते हैं तो सेक्स में जब उनका स्पर्म रिलीज होता है या उनको इजैक्यूलेशन होती है जब रिलीज होता है तब भी उनको एक बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है वो डोपामीन की वजह से होता है क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज होती है तो आत्मगुप्ता डोपामीन के रिलीज को कई गुना बढ़ा देता है जिससे कि सेक्सुअल एक्टिविटी और ज्यादा प्लेजरेबल और ज्यादा सुखमयी हो जाती है इसके अलावा आपकी वाइटलिटी और एनर्जी यानी कि आपकी ताकत को आपकी क्षमता को आपके स्टेमिना को भी बढ़ाने में मदद करता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है यानी कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने के बाद एक बार के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है दोबारा नहीं कर पाता है तिवारा नहीं कर पाता है या इस तरह से कोई असुविधा होती है तो आत्मगुप्ता अच्छा ये एज अ प्रोडक्ट क्लेम नहीं कर रहा हूँ ये इस इंग्रेडिएंट का इस प्राकृतिक वनस्पति का नेचुरल ताकत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे प्रोडक्ट में इसको साइंटिफिकली ऐड किया गया है तो निश्चित सी बात है कि इसकी जो प्राकृतिक ताकत है वो कुछ हद तक हमारे प्रोडक्ट में भी आ जाएगी लेकिन हम प्रोडक्ट का कोई भी क्लेम नहीं कर रहे हैं सिर्फ इंग्रेडिएंट क्या करता है ये पुराणों में लिखा हुआ है ये इंग्रेडिएंट क्या करता है ये अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है उसकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मैं प्रोडक्ट को कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूं ये इंग्रेडिएंट के बारे में हमारे कंपनी के स्टार्ट होने से भी बहुत पहले से हजारों सालों से इस इन्ग्रीडियंट को हमारे ऋषि मुनि यूज कर रहे थे तो क्यों यूज करते थे क्या करता है ये 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 प्राकृतिक वनस्पति वो मैं आपको बता रहा हूँ तो लेकिन ये किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट क्लेम इसको मत समझिएगा तो इसके अलावा हमारे आ, दोनों लोगों की फर्टिलिटी मतलब पुरुषों की महिलाओं की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में भी बहुत अहम भूमिका यह निभाता है फर्टिलिटी यानी कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है नौ महीने की महिलाओं में और पुरुषों में जो स्पर्म पैदा होता है और पैदा होने के बाद सही तरीके से वो सही जगह तक पहुंचे उसको सही जगह तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है ये सही तरीके से हो पाए ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना हेल्दी है अगर कोई हेल्दी है तो उसका काम सही तरीके से होगा लंबे समय तक होगा और अच्छी तरह से होगा और अगर कोई हेल्दी नहीं है या अगर उम्र ज्यादा हो गई है तो उसकी स्पर्म की मोर्टेलिटी और अलग अलग तरह की समस्याएं होती है आत्मगुप्ता के सेवन के साथ वो चीज काफी हद तक सॉल्व हो सकती है और काफी हद तक वो उसमें आराम मिल सकता है इसके अलावा गोक सुरा है इसके अंदर चौथा इंग्रेडिएंट जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को घटाता है आप देखेंगे कोई अगर शराब पीता है या किसी भी तरह के नशे का सेवन करता है तो उसके बाद अगर वो एक डेढ़ मिनट तक दो मिनट तीन मिनट अगर वो कर पाता है तो उसका टाइमिंग डबल हो जाता है छह मिनट सात मिनट आठ मिनट का हो जाता है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में गोकसूरा का बहुत बड़ा रोल है इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है हमारे शरीर के अंदर जिसको एल आर्जिनिन कहते हैं ये अलग अलग खाने से हमें मिलता है और हमारा शरीर इसको बना नहीं पाता लेकिन हम नाइट्रिक ऑक्साइड वाला खाना खाते ही नहीं एल आर्जिनिन वाला खाना खाते ही नहीं

खून उनके शरीर में चारों तरफ एकदम तेजी से फैलता है क्यों क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है और आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए अब बहुत ज्यादा ब्लड आपके जेनिटल ऑर्गन्स को कैसे मिलेगा तभी मिलेगा जब नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगी आपके सिस्टम में और वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी चौड़ी हो जाएगी ब्लड वेसल्स तो ज्यादा ब्लड प्रवाहित ज्यादा रक्त प्रवाहित होगा आपके जेनेटल ऑर्गन में जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए हमारे डाइजेशन को हमारे हाजमा हजम तंत्र हाजमे के तंत्र को ब्लड uh, सप्लाई चाहिए होती है जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है ठीक उसी तरह से जब कोई सेक्स करता है तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए इनफैक्ट ब्लड सप्लाई ही वो कारण है जिसकी वजह से एक पीनस इरेक्ट होता है जिसकी वजह से एक लिंग जो है वो अः uh, मतलब सख्त होता है तो आप देखेंगे जितना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में रहेगा उतना ही ज्यादा आपका इरेक्शन अच्छा हो पाएगा उतने ज्यादा आपका लिंग जो है वो टाइट रहेगा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के वजह से होता है और गोक के अंदर नेचुरल ताकत है कि वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके इसके अलावा वाइटालिटी स्टेमिना बनाने का भी काम करता है दो बार तीन बार कर पाने की क्षमता इंप्रूव करता है साथ ही साथ आपका सिस्टम तभी अच्छी तरह से सेक्स कर पाएगा जब किडनी अच्छी रहेगी आपकी तो किडनी को अच्छा रखने के लिए आपको गोपसुरा की जरूरत है गोपसुरा एक ऐसा प्राकृतिक वनस्पति है जो कि आपकी किडनी को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है और दोनों यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में वो सेक्सुअल एक्टिविटी को और बेहतर करने में इसका बहुत अच्छा रोल है इसके अलावा पांचवा इंग्रेडिएंट शतावरी है शतावरी हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है ये हमारे नोवा में भी पाया जाता है ये हमारे और भी कुछ प्रोडक्ट्स में हम और हॉर्मोन्स को यह रेगुलेट करता है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी हॉर्मोन्स का ही सारा खेल है हॉर्मोन्स की वजह से हमें गुस्सा आता है हॉर्मोन्स की वजह से हमें खुशी होती है हॉर्मोन्स की वजह से तनाव होता है हॉर्मोन्स की वजह से सारी चीजें होती है सेक्सुअल एक्टिविटी भी हॉर्मोन्स की वजह से होती है तो आप अगर हॉर्मोनल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी अगर आपका रसायन तंत्र शरीर का अच्छा रहेगा तो शरीर बहुत अच्छी तरह से सेक्स कर पाएगा और इसके अलावा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपको सेक्स से जो पूर्ति मिलती है तृप्ति का अनुभव होता है ये शतावरी की वजह से बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है इसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पोषण चाहिए वाइटमिन चाहिए मिनरल्स चाहिए अमाइनो एसिड्स चाहिए प्लांट uh, कंपाउंड चाहिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए वो आपको uh, uh, शतावरी की मदद से मिल पाता है और रिप्रोडक्टिव इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके प्रजनन तंत्र में सूजन आ जाना या आंतरिक कोई असुविधा होना बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट में दिक्कत आती है जिसकी वजह से उनको पेशाब होती है लेकिन जब उनको लगता है पेशाब खत्म हो गई लेकिन फिर भी वो जब अपने मतलब जिप जिप कर, जिप अनजिप कर कर लेते हैं उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी बूंद जो है उनके जो है अंदर गिर गिरने लगती है और पूरा अंडरवेयर गीला हो जाता है तो ये प्रोस्टेट की समस्या की वजह से होता है और शतावरी गोकसुरा और इन सारे जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं उनकी मदद से ये पूरी तरह से इसके साथ निवारण पाया जा सकता है इसके अलावा गोटुकोला होता है इसके अंदर जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड फ्लो आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी सेक्सुअल प्रक्रिया लंबी चलेगी और उतना सेक्स बढ़िया तरीके से हो पाएगा प्रजनन या संभोग उतनी अच्छी तरह से हो पाएगा तो एनर्जी लेवल एनर्जी आपकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होनी चाहिए और ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए ये दोनों चीजें ज्यादा करने के लिए गोटू गोटूकोला भी काफी हद तक मदद करता है गोटू नाम की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी काफी मदद करती है ये तनाव को कम करने में के, के लिए मदद करती है एंगजाइटी यानी कि घबराहट को आ, से लड़ने में भी मदद करती है और मानसिक तनाव मानसिक थकावट क्योंकि ऑफिस के बाद आप घर आए हैं दिन भर में ट्रैवल करके आप घर आए ऑफिस गए ऑफिस आए ऑफिस का काम किया है आपने या घर में महिलाएं बच्चों को संभाल रही हैं या महिलाएं है, घर का काम कर रही हैं या किसी भी तरह का पढ़ाई का तनाव हो तो ये दिमागी तौर पर थकावट कर देता है तो उस दिमागी थकावट को दूर करने के लिए गोटुकोला का बहुत बड़ा योगदान है हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है और सेक्सुअल हेल्थ को ओवरऑल वेल बींग को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हेल्दी सेक्स कर पाएगी हेल्दी बॉडी हेल्दी संभोग कर पाएगी अच्छी तरह से कर पाएगी तो पूरे बॉडी को हेल्दी करना भी गोटूकोला का एक बहुत बड़ा आ, रोल है एक बहुत बड़ा फंक्शन है इसके अलावा सफेद मुसली होता है जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है जितना स्ट्रेस कम होगा उतना ही ज्यादा बेहतर आप संभोग कर पाएंगे कभी कभी दो चीजें होती है टेस्टोस्टेरोन

दोनों दुश्मन को सामने खड़ा कर देंगे तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे का अपना काम नहीं कर पाएंगे अपना काम नहीं कर पाएंगे जब वो कोर्टिसोल से लड़ ना रहा हो और अगर आपके शरीर में कोर्टिसोल रहेगा तो दोनों आपस में लड़ेंगे वो सांप और नेवले वाली कहानी है कोर्टिसोल टेस्टोस्टोरॉन से लड़ेगा से लड़ेगा एस्ट्रोजन टेस्टो एस्ट्रोजन

Uh, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो बेसिकली वाइटालिटी और एनर्जी को भी बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है इसके अला अलावा कोकिलाक्ष नाम की एक प्राकृतिक वनस्पति है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है और आंतरिक आंतरिक सूजन सूजन किसी भी तरह की सूजन हो तो उससे लड़ने में मदद करती है यह लिवर को और किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करती है क्योंकि ये हमारा निष्काशन तंत्र है जितना अच्छा हमारा निष्कासन तंत्र होगा उतना अच्छा हमारा काम होगा कभी कभी हमारे शरीर के अंदर ज्यादा फ्लूइड अगर जमा रह जाए चाहे वो किडनी में जमा रह जाए चाहे वो हमारे जो कह सकते हैं आप अंडकोश में जमा रह जाए या बहुत सारी महिलाओं को ओवरी में सिस्ट हो जाती है इस तरह के फ्लूड जम जाते हैं या सिस्ट हो या पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो तो उसमें कोकिलाक्ष का बहुत अच्छा रोल है किडनी हेल्थ और लिवर हेल्थ को बहुत अच्छा करता है इसके अलावा ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है और डाइजेशन को भी अच्छा रखता है आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर हाजमा अच्छा है तो आपको सत्तर से अस्सी परसेंट रोग होंगे ही नहीं तो आपका जो प्रजनन से संबंधित समस्या है वो भी काफी हद तक हाजमे से रिलेटेड है अगर आपका हाजमा सही रहेगा तो आपका प्रजनन भी सही रहेगा आपका संभोग भी सही रहेगा और आपका सेक्सुअल एक्टिविटी भी सही तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे तो कोकिलाक्ष आपके हाजमे को भी बेहतर करता है इसके अलावा इसमें मैंगोस्टीन होती है जो कि आपके इंटीमेसी के दौरान कंफर्ट को बढ़ाती है मतलब बहुत सारे लोगों को आ, सेक्स परफॉर्म करते करते हुए, करते हुए संभोग या आ, प्रजनन के दौरान बहुत तकलीफ का अनुभव होता है दर्द होता है जलन होती है या अलग अलग तरह का मतलब डिस्कम्फर्ट होता है तो मैंगोस्टीन की वजह से इस तरह के किसी भी डिस्कम्फर्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और इन्फेक्शन का डर कम रहेगा क्योंकि देखिए ये हमारा निष्कासन तंत्र है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी और निष्कासन तंत्र में समस्या क्या है कि वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो उसको दिन भर रात भर भर दोपहर शाम भर गंदगी से ही उसका लेना देना है तो वहां पर इन्फेक्शन भी ज्यादा हो सकते हैं वहां पर गंदगी भी ज्यादा होती है वहां से स्मेल भी ज्यादा आती है तो ये जो बीमारियों का जो गंदगी के कारण बीमारियां हैं उससे जो इन्फेक्शन होते हैं उससे मैंगोस्टीन आपको बचा सकता है और डिसकंफर्ट जो होता है असुविधा जो होती है और या अटपटा जो लगता है या अच्छा मतलब कम्फर्ट नहीं लगता है सेक्स के दौरान उस चीज को मैंगोस्टीन काफी कम करती है और हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में शरीर की मदद करती है इसके अलावा इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके का शिलाजीत होता है मतलब जो बेस्ट ए प्लस प्लस कैटेगरी का जो शिलाजीत है वो होता है जो पुरुषों में स्पॉम के वॉल्यूम को स्पॉम की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और महिलाओं में एग्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और पीरियड्स को रेगुलरली हो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं इसके अलावा सेक्स की, की जो प्रक्रिया है वो लंबी चले वो कम समय में ना खत्म हो जाए जो संभोग है या जो प्रजनन है वो लंबे समय तक चले इस चीज को शिलाजीत सुनिश्चित करती है इसके अलावा हॉर्मोन्स हमारा जो रसायन तंत्र है उस वो सही तरीके से चले इस चीज को भी सुन, निश्चित करती है शिलाजीत इसके अलावा एडेप्टोजेनिक है ये सबके शरीर में जाने के बाद ये अलग अलग तरीके से उसके शरीर के अनुसार ढल कर अपना काम परफॉर्म करती है इसके अलावा ये स्ट्रेस को कम करने में का कारगर है यानी कि कोर्टिसोल को कम करने का, का काम करती है ब्लड फ्लो यानी कि हमारे ब्लड फ्लो को हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में बढ़ाती है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एक नए लेवल तक लेकर के जाती है तो अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किए हैं तो अभी तक आपका वेलकम टू रेनेटस नहीं हुआ है आपसे सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इसको सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्ट के तौर पे मत देखिए ये एक जनरल वाइटालिटी सप्लीमेंट है अगर किसी को घुटने की समस्या है वो भी ले सकता है क्योंकि जब इसको लेते हैं तो पूरा शरीर मजबूत हो रहा है तो घुटना भी मजबूत होगा अगर दिमाग की प्रॉब्लम है तो अगर इसको ले रहे हैं तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो वो सिर्फ किडनी को ही मजबूत करेगा बाकी सारे ऑर्गन को बोलेगा तुम भागो यहां से ऐसा तो नहीं है जो भी पोषण है जो भी वाइटमिन जो भी मिनरल्स है वो सारे के सारे ऑर्गन्स पे सारे के सारे बॉडी के सिस्टम पे समान रूप से काम करेंगे ठीक उसी तरह से स्पैन पाउडर भी एक वाइटलिटी सप्लीमेंट है तो सब चीज के ऊपर काम करेगा अभी कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर घुटने की समस्या है उम्र काफी ज्यादा हो गई है तो मैंने उनको स्पैन पाउडर बताया क्योंकि स्पैन अगर आपके शरीर में इतनी ऊर्जा ताकत पैदा कर सकता है तो घुटने के भी, में भी मदद कर सकता है अच्छा आप बताइए जब पैदा हुए थे तब तो घुटने का कार्टिलेज था नहीं तब तो ये सिर वाली जो हड्डी है ये जो ये जो खोपड़ी है ये तो थी नहीं यहाँ तो हड्डी थी नहीं कैसे बनी शरीर ने जो आहार लिया शरीर ने जो पोषण लिया शरीर ने जो खुराक ली उससे शरीर ने बनाया है ये खोपड़ी उससे शरीर ने बनाया है ये उसने शरीर ने ने बनाया बनाया है है ये ये काटिल जिसने हड्डी उसी से शरीर ने इतना सा था इतने से थे जब पैदा हुए थे और आज इतने बड़े हो गए कैसे जो खुराक ली जो आहार लिया जो पोषण लिया जो न्यूट्रिशन लिया उसी से आज इतने बड़े हो पाए तो जब एक बार शरीर बना सकता है तो दोबारा भी बना सकता है अगर उसको सही खुराक दी जाए अगर उसको सही पोषण दिया जाए तो आप इसको वाइटालिटी सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए इसको आप हर किसी को दे सकते हैं तेरह चौदह पंद्रह 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 से अठारह साल के ऊपर आप इसको किसी को भी दे सकते हैं किसी किसी खास केस में आप इसको तेरह साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं दौड़ भाग कर रहे हैं खेल कूद कर रहे हैं डांस कर रहे हैं मेंटल फटीग उनको बहुत ज्यादा है या अगर कोई समस्या भी है तो उनको किसी सही व्यक्ति से पूछ कर अपने तो आपका पैर पकड़ लेगा कि अरे भाई साहब ये तो क्या दे दिया आपने आप हमारे लिए भगवान है मतलब इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता आपको इसको यूज करने का सही तरीका क्या है आप इसको शुरू करेंगे आधा पाउच सुबह और आधा पाउच शाम को सात से दस दिन या पंद्रह दिन के बाद आप एक सैशे सिर्फ सुबह या सिर्फ रात को लीजिए और ये खाना खाने के बाद लेने की चीज है तकरीबन तकरीबन सौ से एक सौ दस एम पानी में इसको ले सकते हैं आप खाना खाने के एक घंटे बाद या फिर आप इसको रात को दूध के साथ ले सकते हैं सौ एम एल सौ एक दूध के साथ आप इसको रात में खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं तो ये खाने के बाद लेने वाला सप्लीमेंट है और इसको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आधा आधा दो टाइम लीजिए और अगर आप आपके जो दिन में सबसे बड़ा भोजन है उसके बाद आपको इसको लेना है अगर आप दिन में एक बार ले रहे हैं तो दिन में दो बार लेने की आवश्यकता नहीं है इसको दिन में एक बार ही लीजिए और रात के खाने के बाद भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये ब्लड स्ट्रीम में हिट कर जाता है काफी जल्दी क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है इस वजह से कोई असुविधा इसमें नहीं है दस इंग्रेडिएंट है और जहां एक दो तीन चार नहीं पूरे दस इंग्रेडिएंट आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूती देते हैं आपके सेक्सुअल ऑर्गन की हेल्थ को अच्छा करते हैं आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं आपके स्ट्रेस को कम करते हैं आपके पूरे ऑर्गन पूरे वाइटालिटी को बढ़ाते हैं और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसकी सर्विसिंग करते हैं तो जब सर्विसिंग होती है तो कोई भी चीज अच्छी काम करती है तो आप अगर अपने सिस्टम की सर्विसिंग कराना चाहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल नए जैसा करना चाहते हैं 28 की उम्र में 38 की उम्र में उम्र में 48 की उम्र में अगर 18 साल वाली ऊर्जा का अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो स्पैन पाउडर निश्चित तौर पे लीजिए इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ तो इसका इस्तेमाल कीजिए शुरू में आधा आधा लीजिए दिन में दो बार खाना खाने के बाद और फिर दिन में सिर्फ एक बार लीजिए संभवतः रात के खाने के बाद संभवतः और दिन में सबसे जो मेजर खाना है उसके बाद आप ले सकते हैं मतलब अगर आप मतलब लंच अगर भारी करते हैं तो भारी लंच के बाद ले लीजिए डिनर भारी करते हैं तो भारी डिनर के बाद ले लीजिए ब्रेकफास्ट भारी करते हैं तो भारी ब्रेकफास्ट के बाद भी आप ले सकते हैं इसका क्योंकि दवाइयों का होता है टाइमिंग दवाइयों का होता है डोज इसका डोज एज सच कुछ नहीं है आप इसको दिन में एक बार लीजिए कभी भी ले सकते हैं आप लेकिन अगर आप रात को लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरी समझ में और स्लिम पाउडर की बात करें तो स्लिम पाउडर के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है है ना फिर इंग्रेडिएंट्स के पास चलेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है ये मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने को शरीर ब्रेक डाउन करता है उस खाने को शरीर तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट में और तोड़ने के बाद शरीर क्या करता है तोड़ने के बाद कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को मसल्स में कन्वर्ट करता है एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है ब्लड बनाने में कन्वर्ट करता है हॉर्मोन्स बनाने में कन्वर्ट करता है और फैट को जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मिला देता है ताकि हमारे एक जगह से दूसरी जगह को दो कैलोरी खाना है और महिलाओं को खाने की जरूरत होती है। मतलब जो भी दिन में खाना खाते हैं वो तकरीबन तकरीबन 2000 कैलोरी का होता है ठीक है अब मान लीजिए आपने खा तो लिया 2000 कैलोरी लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया 2000 कैलोरी आपने इस्तेमाल किया, किया मान लीजिए चौदह या पंद्रह तो आपने आ, दो हजार रुपए कमाए और आपने खर्च किए पंद्रह सौ रुपए तो पांच सौ रुपए तो आपके पास बच गए फिर कल आप फिर दो हजार रुपए कमाएंगे फिर पंद्रह सौ खर्च करेंगे फिर पांच सौ बच जाएंगे ऐसे हर दिन अगर बचता रहेगा बचता रहेगा बचता रहेगा तो शरीर इस तरह की बचत को फैट के रूप में शरीर में बचा के रख लेता है कि हो सकता है आने वाले समय में कभी आवश्यकता पड़े तो हम इसको काम में लेंगे ठीक है तो शरीर इसको बचा के रखता है फैट के रूप में कि इसको आगे आने वाले समय में हम इस्तेमाल में लेंगे लेकिन जब हम स्लिम पाउडर का सेवन करते हैं स्लिम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर 1500 किलो कैलोरी की है तो हमारा जो खाने का इंटेक है वो 1500 के ऊपर जाएगा ही नहीं अभी तक आप 1500 कैलोरी खर्च कर रहे थे और 2000 कैलोरी का खाना खा रहे थे यानी कि खाना ज्यादा का खा रहे थे खर्च कम कर रहे थे तो बच जा रहा था आपके पास और वो बची हुई चीज फैट बन जा रही थी ठीक है आसान शब्दों में समझा पा रहा हूँ जो खा रहे थे पूरा खर्च नहीं कर रहे थे इसकी वजह से थोड़ा सा फैट बन जा फैट में परिवर्तित हो जा रहा था ठीक है अभी क्या होता है कि जब आप स्लिम पाउडर लेते हैं स्लिम पाउडर लेने के बाद आप स्लिम पाउडर अंदर जाकर ये निर्धारित करता है कि ये कितनी कैलोरी इस्तेमाल कर रहा है अगर 1500 इस्तेमाल कर रहा है तो 1500 ही इसके शरीर में जाने देंगे बाकी द्वारपाल की तरह खड़े हो जाएंगे पंद्रह सो से ज्यादा कैलोरी घुसने ही नहीं देंगे अगर कैलोरी एक्स्ट्रा जाएगी नहीं तो फैट में परिवर्तित होगी ही नहीं समझा पा रहा हूं अगर एक्स्ट्रा कैलोरी जाएगी नहीं तो फैट में परिवर्तित होगी कैसे क्योंकि आपने तो एक्स्ट्रा खाना खाया ही नहीं एक्स्ट्रा खाना सिंह पाउडर ने आपको तो आपको खाने ही नहीं दिया अगर कोई पंद्रह सो कैलोरी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके शरीर में पंद्रह सो अगर वो चार रोटी खाता था अभी तक तो उसका तीन रोटी में ही पेट भर जाएगा तीन रोटी में पेट भर जाएगा तो चौथी रोटी खाएगा ही नहीं और खाएगा ही नहीं एक्स्ट्रा तो फैट बनेगा ही नहीं अगर अतिरिक्त खाना खाए गए नहीं तो फैट बनेगा कैसे और अगर फैट बनेगा नहीं तो पुराना जमा हुआ जो शरीर में फैट है क्योंकि शरीर में फैट की तो आवश्यकता है हमारा ब्रेन फैट से बना हुआ है हमारे सेल डिविजन में फैट की फैट की जरूरत है क्योंकि हमारा सेल वॉल जो है वो फैट से बना हुआ होता है फैट तो शरीर को चाहिए तो जो पहले से जमा हुआ फैट है उसी को शरीर ले लेकर इस्तेमाल करेगा और हमारा वजन जो है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा डाइट के बिना ही कम हो जाएगा अब ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो इस काम को परफॉर्म करते हैं आइए जानते हैं मैंगोस्टीन है इसके अंदर हाइड्रोक्सिट्रिक एसिड एच सी एस का शॉर्ट फॉर्म है ये क्या करता है आपके भूख लगने की जो प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करता है जितना ज्यादा जितना आपको जरूरत है उतनी ही भूख लगती है आपको जितना ज्यादा आपको जितनी कैलोरीज की जरूरत है जितनी कैलोरीज आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी भूख लगती उससे ज्यादा खाने ही नहीं देगा आपका अस्सी परसेंट खाना खाने के बाद ही पेट भर जाएगा आपको लगेगा कि देखिए दो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर एक लेप्टिन होता, होता है और एक घरेलिन होता है लेप्टिन रिस्पॉन्सिबल है आपको भूख लगने के लिए घरेलिन रिस्पॉन्सिबल है आपकी भूख मिटने के लिए तो आपके शरीर के अंदर जो लेप्टिन प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो कम हो जाए और घरेलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आपके शरीर को यह आभास होगा कि पेट तो भर गया अस्सी परसेंट खाना खा के अगर आपको यह आभास हो गया कि पेट भर गया तो आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे ही नहीं और अगर, अगर आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे तो एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे तो शरीर के अंदर फैट बनेगा ही नहीं फैट बनेगा नहीं तो पहले से जो जमा हुआ फैट है वो इस्तेमाल होगा और पहले से जमा हुआ फैट इस्तेमाल होगा तो वजन अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि वजन तो मूल तौर पर ही चीजों का होता है हड्डी का होता है मांसपेशियों का होता है हमारे ब्लड का या पानी का होता है शरीर के अंदर और फैट का होता है तो हम हड्डी तो कम करना नहीं चाहेंगे मांसपेशियां भी कम नहीं करना चाहेंगे और शरीर के अंदर ब्लड या पानी भी नहीं कम करना चाहेंगे तो बचा क्या बचा फैट फैट को हम कम कर सकते हैं खाने को नियंत्रित करके तो अगर आप खुद खाने को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं आप स्लिम पाउडर का सेवन कर सकते हैं इससे काफी सारी चीजें होंगी इससे फैट को बर्न करने में भी मैंगोस्टीन फैट को पचाने में भी फैट ज्यादा जल्दी बर्न करने में भी कारगर है Uh, मतलब योगदान देता है और आपके खाने को संचालित करता है जितनी जरूरत है उतना ही आपके शरीर के अंदर जाएगा बाकी आपकी भूख मिट जाएगी तो भूख मिट जाएगी तो एक्स्ट्रा खाना नहीं जाएगा एक्स्ट्रा खाना नहीं जाएगा तो फैट नहीं बनेगा ठीक है इसके अलावा त्रिकटु होता है इसके अंदर जो आ, आप देखिए बचपन में आपका हाजमा अच्छा था, इस से आपका शरीर फूलता नहीं था आप दौड़ते कूदते थे आप अच्छा खासा खाना भी खाते थे फिर भी आपका शरीर फूलता नहीं था आप मोटे नहीं होते थे क्यों क्योंकि आपकी हजम क्षमता जो है बचपन में बहुत अच्छी रहती है तो त्रिकटू खाने की वजह से जो स्लिम पाउडर के अंदर है तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस से बचपन में जैसा था उस तरह उस तरह का होना शुरू हो जाएगा तो जब हाजमा बेहतर हो जाएगा तो फैट बनेगा नहीं फैट बनेगा नहीं तो आपके शरीर के अंदर मोटापा आएगा नहीं इसके अलावा त्रिफला होती है इसके अंदर जो डिटॉक्सिफाई करती है आपके लिवर के अंदर काफी सारी गंदगी है आपके इंटेस्ट में काफी सारी गंदगी है हार्ट में गंदगी है ब्लड वेसल्स में गंदगी है ब्रेन में और चारों तरफ आपके शरीर में काफी सारी गंदगी है उस गंदगी को जब आप हटा देंगे शरीर से तो आपका वजन गंदगी का जो वजन था वो अपने आप तो को डिटॉक्सिफाई करने में गंद हॉर्मोनल गंदगी को निकालने में मल मूत्र पसीना हॉर्मोनल गंदगी एक्सेस ऑयल ये सारी चीजों को निकालने में शरीर की मदद करेगा आप देखिए यहाँ टी जोन से आपके ऑयल सेक्रेट होता है आपके हॉर्मोन सेक्रेट होते हैं पसीना बहता है तो गंदगी चारों तरफ से आपके शरीर से निकलने का की व्यवस्था है उस चीज को सही तरीके से सुसंचालित करता है इसके अलावा गंदीरा नाम का एक प्राकृतिक वनस्पति है जो कि पहले से जमा हुआ जो फैट आपके शरीर के अंदर है उसको भी तोड़ तोड़ कर शरीर के बाहर निकालता है पहले से जमा, जमा हुआ फैट अगर आपके शरीर के बाहर जाना शुरू करेगा तो सोचिए इससे कितना ज्यादा लाभ आपका हो सकता है पहले से जमा हुआ फैट भी अगर शरीर से जाएगा तो उससे एक बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ होगा कि आपका वजन तेजी से नीचे गिरना शुरू होगा क्योंकि जो फैट फैट है वो जिसकी लंबे समय में आपको जरूरत नहीं है वो धीरे से शरीर के बाहर जाना शुरू हो जाएगा इसके अलावा शतावरी है इसके अंदर जो कि आपके हार्मोस को बैलेंस करने में मदद करेगी आपके हाजमे को और बेहतर करेगी और जैसे कि मैंने बताया हाजमा जितना बेहतर होगा आपका मोटापा उतना जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा इसके अलावा सीड है इसके अंदर जो कि आपको का अनुभव देगी यानी कि आपका सत्तर अस्सी परसेंट खाना खाने के बाद ही आपका पेट भर जाएगा आपको लगेगा अब अब हमारा पेट भर गया तो जब पेट ही भर गया तो और एक्स्ट्रा खाना खाएंगे ही नहीं है ना आपको संतुष्टि महसूस होगी चार रोटी की जगह तीन रोटी खाके आपको पेट भर जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर एक्सेस कैलोरीज जाएगी नहीं इसके अलावा इसके अंदर अः वधा है जो कि आपके अः मतलब निष्काशन को सुनिश्चित करता है इसके अंदर जैसे बेल के अंदर या ऐसे बहुत सारे और प्राकृतिक वनस्पति है जिसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है थोड़ा सा चिपचिपा ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है आपके में जितनी भी गंदगी है उसको मैग्नेट की तरह अपने अंदर चिपका लेता है और चिपका के शरीर के बाहर चला जाता है तो जब गंदगी को अपने साथ चिपका के शरीर के बाहर ले जाता है तो आपका जो शरीर है वो ज्यादा ऊर्जावान महसूस होता है फैट तो कम होता ही है साथ ही साथ आपकी एनर्जी बढ़ जाती है आपकी स्टेमिना बढ़ जाता है आपका वाइटालिटी बढ़ जाता है आपकी उम्र कम हो जाती है स्किन ग्लो करने लगती है तो ये जो है अः अर्घवधा की वजह से हो सकता है इसके अलावा दालचीनी होती है जो आपकी क्रेविंग्स होती है कभी आपको जंक फूड खाने की इच्छा होती है कभी आपको बल्क फूड खाने की तला हुआ खाने की सिका हुआ खाने की या इस तरह का बाहर का खाना खाने की जो आपकी क्रेविंग्स होती है उसको कम करने में आपकी मदद करती है तो ये चाह ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं स्लिम पाउडर के अंदर इनकी प्राकृतिक ताकत इसके अंदर है हमने टेक्नोलॉजी की मदद से स्लिम पाउडर की के अंदर इन इन प्राकृतिक वनस्पतियों की ताकत को रोक कर रखा हुआ है इसका अगर आप सेवन करेंगे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किए बिना आपको एक अच्छा वेट लॉस का अनुभव हो सकता है लेकिन किसी को तीन महीने में हो सकता है किसी को दो महीने में किसी को पंद्रह दिन में ही हो सकता है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह से सेवन करते हैं और कितने अच्छे डाइट का पालन करते हैं कितने अच्छी तरह से अपने आप को सुनियोजित करते हैं अच्छी लाइफ निभाते हैं तो ये सारी चीजों की वजह से स्लिम पाउडर से आपको जबरदस्त रिजल्ट आता है इसको लेने का क्या तरीका है खाना खाने से पहले लेना है इसको खाना खाने से पहले कितनी देर पहले खाना खाने से कम से कम 40 मिनट पहले लेना है चालीस से पैंतालीस मिनट पहले खाना खाने के आप इसको तकरीबन तकरीबन सौ एम एल डेढ़ सौ सवा सौ एम एल पानी में मिलाकर आप इसको पी सकते हैं और शरीर के अंदर जाके पानी वैसे भी गर्म हो ही जाएगा इस वजह से आप इसको नॉर्मल पानी में लीजिए प्रोडक्ट ने मुंह में काम नहीं करना प्रोडक्ट ने पेट में काम करना है और पेट के अंदर ऑलरेडी तापमान ज्यादा है पानी जब पेट के अंदर जाएगा तो अपने आप तापमान उसका बढ़ जाएगा तो आप उसको अलग से गर्म करने की जहमत मत उठाइए प्रोडक्ट ने पेट में काम करना है पेट में तापमान ऑलरेडी ज्यादा है तो आपको गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप उसको नॉर्मल पानी में ही पीजिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे बल्कि मैं तो कहता हूँ तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप गर्म पानी पी रहे हैं तो नुकसान आपको आपको नुकसान हो रहा है क्यों क्योंकि बहुत सारे वाइटमिन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं गर्माहट पाते ही मर जाते हैं तो अगर आप उसको ज्यादा गर्म में पियेंगे तो उसका फायदा आपको नहीं होगा आप काड़ाइयु भी लू वार्म वाटर में पी सकते हैं थोड़ा गर्म हो तो चलेगा लेकिन ज्यादा गर्म नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है तो आप यह स्लिम पाउडर का सेवन करें खाना खाने से पहले इसमें तकरीबन तीस होते हैं तो दिन का जो सबसे बड़ा भोजन है उसके पहले आप इसको ले सकते हैं करीब करीब चालीस मिनट पहले आप याद रखिए स्पैन आपको लेना है खाने के बाद स्लिम आपको लेना है खाने से पहले स्पैन आपको लेना है खाने के एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद स्लिम आपको लेना है खाने के आधे से एक घंटे पहले स्लिम पहले बाद बाद में बाद में स्लिम पहले ठीक है तो आशा करता हूं कि आप सभी कोई इसका सेवन करेंगे और आपकी वेट लॉस जर्नी को आप एक अलग पायदान पर लेकर जाएंगे इसके साथ आप वेट लॉस के लिए अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को हॉर्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी के वजह से थायराइड की वजह से वजन अगर बढ़ गया है तो इम्यूज एंड नोवा और स्लिम पाउडर आप दे सकते हैं अगर और किसी वजह से अगर वजन बढ़ गया है तो आप जैन प्रो दीजिए स्लिम पाउडर दीजिए और नोवा दीजिए वजन उनका आ, काफी कम हो जाएगा अगर दीजिएगा सही, और सही आ, मतलब चीजों का पालन करते हैं तो इसके अलावा बॉडी मिस्ट के बारे में जानते हैं बॉडी मिस्ट होता क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं हमें पता ही नहीं बॉडी मिस्ट होता क्या है अभी होता क्या है कि हर पौधे में कुदरत ने ऐसे कुछ एम्साइम दे रखे हैं ऐसे कुछ प्लांट कंपाउंड दे रखे हैं जो कि उस जो कि जरूरी है उसकी ग्रोथ और उसके प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि बहुत सारे जानवर आते हैं पौधों को खाने के लिए बहुत सारे मवेशी आते हैं पौधों को खाने के लिए तो पौधों को उन मवेशियों से बचाने के लिए मौसम की मार से बचाने के लिए बहुत सारे एम्साइम्स और बहुत सारे कंपाउंड कुदरत ने पौधों को दिए हैं समझा पा रहा हूं बहुत सारे पौधों में कुदरत ने एमजाइम्स और कंपाउंड दिए हैं उसकी खुद की ग्रोथ के लिए उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए अब ये कंपाउंड्स क्या करते हैं ये कंपाउंड्स uh, पौधों में पाए जाते हैं और इन पौधों में फ्रेग्रेंस के uh, तौर पे पाए जाते हैं एंजाइम्स और कंपाउंड्स uh, खुशबू के रूप में उसके अंदर पाए जाते हैं उसकी पहचान क्या है खुशबू आप देखेंगे गुलाब में अलग खुशबू है खस में अलग खुशबू है केसर में अलग खुशबू है ऐसे अलग अलग चीजों में अलग अलग खुशबू है ये खुशबू एक तरह का एम्जाइम है या प्लांट का कंपाउंड है 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 जो कि उस पौधे की सुरक्षा के लिए कुदरत ने उसे प्रदान किया ठीक है। है? ताकि कोई जानवर उसमें मुंह ना मारे चाहे उसको कोई और कोई इस्तेमाल ना कर ले कांटे होते हैं उसके लिए कांटे भी उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं और इस तरह के प्लांट एम्जाइम प्लांट कंपाउंड भी उसकी सुरक्षा के लिए कुदरत ने उसे दिए हैं इंसानों ने इस खुशबू को इस प्लांट कंपाउंड को एंजाइम की ताकत को हजारों सालों पहले पहचान लिया था और वो हजारों सालों से अलग अलग तरीके से ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग इत्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग अलग अलग तरह के खाने में अलग अलग तरह की खुशबू वाले जड़ी बूटियां या खुशबू वाले स्पाइसेस मसाले डालते हैं है ना जो कि इंसानों की मेंटल एनर्जी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं हल्दी चंदन इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी के लिए अलग अलग चीजों के अलग अलग फायदे हैं आजकल की जो आधुनिक दुनिया है और आजकल की आधुनिक दुनिया में इस फ्रेग्रेंस की वेलनेस को एरोमा थेरेपी का नाम दिया जाता है खुशबू से जो उपचार हो खुशबू से जो लोगों की वेलनेस हो खुशबू से लोगों के शरीर को जो बेहतरी महसूस हो उसको थेरेपी का नाम दिया जाता है आजकल की मॉडर्न युग में अभी समस्या कहाँ है आजकल की भो, का समय है आजकल बहुत सारे लोग सुख सुविधा और कंफर्ट और दुनिया भर की बहुत सारी आ, मतलब ऐशो आराम हो चुके हैं आजकल की दुनिया में और हम लोग एक अजीब और गरीब दौड़ में फंसे हुए हैं इस ऐशो आराम को पाने की अजीबो गरीब दौड़ में फंसे हुए और इस ऐशो आराम को पाने की जो दौड़ है उसके उस उस दौड़ में हमें हमें क्या होता है हमें अलग अलग तरह के टेंशन होते हैं और ये टेंशन एक बीमारी के रूप में बदल जाता है वो डायबिटीज भी हो सकती है बीपी हो सकती है थायराइड हो सकता है कैंसर भी हो सकता है ऐसी अलग अलग तरह की बीमारियां ये भौतिकतावाद के को पाने के लिए जो तनाव हम दिमाग में लेते हैं उस तनाव की वजह से हमें तरह-तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाती है मेंटल टेंशन की वजह से अभी क्या है ये जो प्लांट कंपाउंड हैं जो फ्रेगरेंस के तौर पे एंजाइम्स के तौर पे मौजूद है उन पौधों में वो उनकी पेनिट्रेशन की पावर जो है वो अद्वितीय अकल्पनीय और और असीमित अभूतपूर्व है बहुत ही जबरदस्त तरह की पेनिट्रेशन की पावर जो है उन प्लांट कंपाउंड्स में मौजूद है ठीक है अब बॉडी मिस्ट में क्या होता है कि जब हम आ, मतलब इस तरह के प्लांट कंपाउंड्स का हमने इस्तेमाल किया है इस तरह के फ्रेग्रेंसे इस तरह के नेचुरल एमजाइम्स के हमने इस्तेमाल किए हुए हैं हमारे बॉडी मिस्ट के अंदर जो क्या करते हैं जब हम बॉडी मिस्ट लगाते हैं अपने बॉडी में तो जब हम सांस लेते हैं तो उसकी जो खुशबू है पौधे के लिए जो एमजाइम जो प्लांट कंपाउंड पौधे के बेहतरी के लिए पौधे के ग्रोथ के लिए पौधे के प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने उसे दिए थे वो खुशबू के माध्यम से हमारे सांसों में जाती है और सांसों के जरिए फेफड़ों के जरिए हमारे ब्लड में 20 सेकंड के अंदर मिक्स हो जाती है 20 सेकंड के अंदर और हमें रिलैक्स महसूस होने लगता है क्योंकि वो प्लांट कंपाउंड जो पौधे की बेहतरी के लिए पौधे की सेफ्टी के लिए पौधे के प्रोटेक्शन के लिए पौधे के ग्रोथ के लिए पौधे के वेलनेस के लिए कुदरत ने उसे दिए थे हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे अपने सांस के जरिए अंदर ले लिया 20 सेकंड के अंदर हमारे ब्लड में मिक्स होता है और हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देता है बिल्कुल ये आप देखेंगे इसी वजह से बहुत सारे लोग खुशबू को सूंघते हैं तो लंबी सांस लेते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है उनको बड़ा हल्का लगता है बहुत रिलैक्स्ड फील होता है उनके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल अः रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है और उनका नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है नहीं तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल कांपता हुआ रहता है बिल्कुल ऐसे कांपता हुआ रहता है लेकिन जैसे ही कोई अच्छी खुशबू बढ़िया खुशबू उनके पास जाती है प्लांट कंपाउंड के तौर पे प्लांट के एंजाइम के तौर पे फ्रेग्रेंस के तौर पे तो वो जो प्लांट कंपाउंड ब्लड में मिक्स हो गया उसकी वजह से ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है एकदम लंबी सांस लेता है और एकदम रिलैक्स महसूस करता है क्योंकि वो खुशबू के वजह से खुशबू के जो प्लांट कंपाउंड है खुशबू के जो एंजाइम्स हैं वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स होके प्लांट की ताकत को प्लांट की कुदरती ताकत को को आपके शरीर को प्रदान कर देती है अब इसकी वजह से क्या होता है अगर हमारा ब्रेन रिलैक्सड है तो हमारा ब्रेन जो है वो समय समय पर अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा सही डिसीजन ले पाएगा है ना और हमारे लाइफ की जितने भी समस्याएं हैं अगर वो सही डिसीजन ले तो वो सही तरीके से हमारी लाइफ चल पाएगी और जब भी हमारा दिमाग तनाव में रहता है जब भी हमारा दिमाग प्रेशर में रहता है अगर उस समय में ब्रेन में तनाव ज्यादा हुआ तो तनाव में आदमी गलत डिसीजन लेता है और गलत डिसीजन जो है उसका गलत ही परिणाम होगा स्वाभाविक सी बात है अगर तनाव लेगा तो तनाव से गलत डिसीजन लेगा और गलत डिसीजन से उसका गलत परिणाम होगा आप देखेंगे गुस्से में आदमी कुछ भी बोल जाता है गुस्से में आदमी गलत कदम उठा लेता है तो ये ये या तनाव में आदमी कुछ भी बोल देता है तो ये तनाव जो है अगर हमारे बॉडी मिस्ट को अगर वो बॉडी के ऊपर रहता है और उसकी खुशबू अगर लगातार नाक के जरिए ब्लड के अंदर मिक्स होती रहे तो प्लांट की जो कुदरती एंजाइम्स और कंपाउंड की ताकत है ब्रेन को रिलैक्स करने के काम आएगी उसकी प्रोटेक्शन के और उसकी ग्रोथ के काम आएगी और उनको इस तरह की असुविधा कभी भी नहीं होगी तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आपके आपके ब्रेन ब्रेन को को स्टेबलाइज रखने रखने के लिए, आपके को रखने के लिए लिए संतुलित आप बॉडी uh, अलग अलग पांच हमारे पास फ्रेगरेंसेज हैं और अलग अलग फ्रेगरेंसेस के ब्रेन के ऊपर अलग अलग फायदे हैं तो आप इसको मिला मिला कर इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह अलग शाम को अलग दोपहर में अलग रात को अलग 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 समय पर आपको मैं बताऊं कि चंद्रमा के हिसाब से यानी कि जो हमारी चंद्रमा की साइकिल होती है चौदह दिन की उसके हिसाब से एक खास ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अलग अलग दिन अलग अलग खुशबू का इस्तेमाल करने से उसका शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी मैं बॉडी मिस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा तब तो बताऊंगा आपको तो लेकिन मामला ये है कि पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में ब्रेन को रिलैक्स करने का कोई भी कारगर तरीका नहीं है कोई भी प्रोवेन तरीका कोई भी सिद्ध तरीका नहीं है बहुत सारे लोग आध्यात्म की दुनिया में जा सकते हैं बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर सकते हैं लेकिन दिन भर में काम में तनाव होगा तो ऑफिस में तो मेडिटेशन करेंगे नहीं ना ऑफिस में तो काम करना पड़ेगा चौबीसों घंटे तो मेडिटेशन नहीं कर सकते लेकिन टेंशन चौबीसों घंटे हो सकता है और हर किसी के लिए हर समय मेडिटेशन करना पॉसिबल भी नहीं है तो ऐसे में पांच अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर जो इसके फ्रेग्रेंसेस हैं हमारे बॉडी मिस्ट के रेनेटस बॉडी मिस्ट के उसको अगर आप आ, यूज करते हैं अलग अलग तरीके के फ्रेग्र को तो तनाव को कम करने में आपको रिलैक्स करने में आपका मूड अच्छा करने में और आपके शरीर को प्रोटेक्शन देने में बहुत लंबे समय में कारगर रहेगा और बॉडी मिस्ट के अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं एलोवेरा होता है इसके अंदर जो नेचुरल मॉइस्चराइजर और कंडीशनर का, का काम करता है वीट ग्राम होता है इसके अंदर जिसमें विटामिंस एंटीऑक्सीडेंट्स और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको मैंगोस्टीन जो है वो जवान बनाए रखने में आपकी त्वचा को मदद करता है और आपकी त्वचा को एक चमक देने में मदद करता है इसके अलावा आंवला एक्सट्रैक्ट है जिसमें विटामिन सी कूट-कूट कर भरा होता है पूरा भरा होता है विटामिन सी से आंवला Uh, जो कि आपके स्किन में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है एक सुरक्षा कवच बना देता है जिसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन या किसी भी तरह की कोई भी माइक्रो uh, बॉडी आपके शरीर के आसपास भी ना आ सके या आसपास आए तो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके इसके अलावा एलमंड होता है इसके अंदर जो कि विटामिन ई होता है, ये फैट में आता है, ये ये फैट में आता एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है यानी कि अगर विटामिन ई अगर खुशबू के जरिए आपके सिस्टम में जा रहा है तो ये आपको शरीर के को अंदर से बाहर से मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे एंटी एजिंग करने के लिए दिमागी रूप से रिलैक्स रखने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से कारगर रहेगा तो आशा करता हूं कि आप हमारे जितने भी अलग अलग तरीके के बॉडी मिस्ट मिस्टेप पांच अलग अलग तरह के उनका अलग अलग समय का इस्तेमाल करेंगे शरीर के ऊपर और इसके अंदर बिल्कुल भी एल्कोहल नहीं है इसके अंदर कुछ भी रसायन नहीं है बिल्कुल भी कोई भी केमिकल नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करिए और इसका जबरदस्त तरीके से लाभ लीजिए ऐसी मैं आशा करूंगा